मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जन्म भले ही अयोध्या में हुआ हो, लेकिन चित्रकूट ऐसी धरती है जहां कण कण में भी आज भी राम व्याप्त हैं, क्योंकि प्रभु श्रीराम ने पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ 11.5 वर्ष यहीं पर गुजारे थे। इस वर्ष भगवान श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट में रामनवमी का महापर्व बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से मनाया गया। इस दिन धर्मनगरी में सभी मठ मंदिरों में प्रभु का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं सायंकाल आकर्षक झांकियों एवं गाजेबाजे के साथ प्रभु श्रीराम की विशाल शोभा यात्रा नगर में निकाली गई, जिसमें बाबा का बुलडोजर आकर्षण का केंद्र रहा। देर शाम 5 लाख दीपकों से जगमगाई प्रभु श्रीराम की वनवास नगरी में मंदाकिनी तट और कामतगिरी परिक्रमा पथ पर लोगों में दीपोत्सव को लेकर काफी उत्साह दिखा। इस अवसर पर जगह जगह भजन संध्या के भी कार्यक्रम आयोजित किए गए और पूरा चित्रकूट राममय नजर आया। भगवान राम का जन्मोत्सव है, अति उत्साह से लोग मना रहे हैं। लाखों श्रद्धालु चित्रकूट धाम आ रहे हैं। आज 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, फिर शाम को 7 बजे दीपोत्सव भी मनाया गया, जिसमें विविध आयोजन हो रहे हैं, जो कि यह अयोध्या शोध संस्थान और चित्रकूट जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और सभी लोगों में हर्ष उल्लास है और सभी लोग भगवान राम की बधाइयां आनंद ले रहे हैं, बधाइयां गा भी रहे हैं और लुटा भी रहे हैं सब।